हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आजकल की अनहेल्दी लाइफ कई बीमारियों का कारण बन रही है। आपके शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जा रहे हैं। ये आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकते हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम की, आयरन की कमी हो जाएगी, तो आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, खून की कमी होगी, आपके दांत भी कमजोर होने लगेंगे, आपके बाल भी सफेद होने लगते हैं अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो। यहां तक कि आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द होने लगता है, या आपके कंधे में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, आपको वीकनेस काफी फील होगा, हमेशा थकान फील होगा, आपकी यादाश्त शक्ति कमजोर हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम की कमी हो जाए तो इस वजह से आपके स्किन पे रिंकल्स, झुर्रियों की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। समय से पहले आपके बाल सफेद होने लगेंगे और आप बहुत जल्दी बूढ़े दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ही जरूरी है। सही डाइट लेना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, इससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और आपकी स्किन भी यंग और हेल्दी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी, थकान की समस्या हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो यानी कि शुगर लेवल आपका बढ़ गया हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, या आपके बाल सफेद हो रहे हैं, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सभी समस्याएं आपको दूर हो जाएंगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है। जो इसमें फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उसके लिए हमें पॉपी सीड्स यानी कि खसखस का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, खसखस की बात करूं तो इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके शरीर में कोई भी कमजोरी, थकान की समस्या हो, हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ गया हो उसमें काफी फायदा पहुंचाता है, आपके बीपी को भी कंट्रोल करने का काम करता है अगर आप खसखस का प्रयोग करते हैं तो। और कैल्शियम तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से आपके दांत भी कमजोर हो जाते हैं, आपके स्किन पे जो रिंकल्स, झुर्रियां समय से पहले आ जाती है उसको दूर करता है अगर आप खसखस का प्रयोग करते हैं तो। और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं अगर अपने डाइट में आप खसखस का प्रयोग करते हैं, खसखस को शामिल करते हैं तो। पॉपी सीड्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी सेहत के लिए, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट में पॉपी सीड्स यानी कि खसखस का प्रयोग करना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट में हमें बादाम का प्रयोग करना है। बादाम के बारे में आपको बता दूं तो ये आपके सेहत के लिए, स्किन और बाल तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन ई जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ई जो है आपके स्किन को हेल्दी बनाए रखने में, बालों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, अगर बाल आपके झड़ रहे हैं या बाल सफेद हो रहे हैं, उन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा विटामिन ई होने की वजह से फ्री रेडिकल से आपके स्किन को बचाता है जिससे आपकी स्किन हमेशा यंग बनी रहती है और रिंकल्स, झुर्रियों की समस्या बिल्कुल ही नहीं होती है, या जो सन रेज की वजह से आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन की समस्या होती है उसको भी दूर करता है। इसके अलावा जो बादाम है आपकी यादाश्त शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और आपके हाई बीपी की समस्या से छुटकारा दिलाता है क्योंकि बीपी को कंट्रोल करने में भी बादाम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आप सिर्फ बादाम का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बादाम का प्रयोग कभी भी डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। हमेशा बादाम को आपको भिगो कर ही खाना चाहिए, यानी कि रात को आप भिगो दीजिए बादाम को और सुबह में इसका छिलका निकालकर तब आप इसका प्रयोग कीजिए। इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, स्किन भी हेल्दी रहेगी, बाल भी आपके सफेद नहीं होंगे, बालों का झड़ना रुक जाएगा और आपके हार्ट के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि बादाम का छिलका निकालकर ही आपको बादाम का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि बादाम के छिलके में एक प्रकार का तत्व पाया जाता है जो कि अगर आप बादाम के छिलके के साथ इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आपको उतने फायदे नहीं मिल पाते हैं जितने बादाम के फायदे आपको मिलने चाहिए। इसलिए बादाम का हमेशा छिलका निकालकर ही आपको बादाम का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप सिर्फ बादाम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे आपको डेली सुबह में ही करना चाहिए, इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड इंग्रेडिएंट में आपको बादाम का प्रयोग करना है। थर्ड इंग्रेडिएंट में हम जो प्रयोग करेंगे उसके लिए हमें व्हाइट सीसम यानी कि सफेद तिल का प्रयोग करना है जो कि कैल्शियम का भंडार माना जाता है। इसमें कैल्शियम बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है या आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, घुटनों की दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं, दांत कमजोर हो गए हैं आप, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में ये जो व्हाइट सीसम यानी कि सफेद तिल है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये जो है ब्लैक वाले भी मिलता है और व्हाइट वाला भी मिलता है, तो आपको यहाँ पे सफेद तिल का ही प्रयोग करना है। और इस सफेद तिल के प्रयोग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नियंत्रित हो जाता है और आपके हार्ट के लिए भी काफी फायदेमंद
होता है, आपकी यादा शक्ति को बढ़ाता है और स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है इसके लिए भी काफी अच्छा माना जाता है और ये आपके सफेद बालों से भी छुटकारा दिलाने में काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान रहते हैं, रात को अच्छे से नींद नहीं आ पाती है, उसके लिए उनको सफेद तिल का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। इसके लिए अगर सफेद तिल का सिर्फ आप सफेद तिल को भूनकर रोस्ट करके उसका पाउडर बना के दूध के साथ प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आप जब सुबह उठेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा, थकान कमजोरी की समस्या भी आपको दूर हो जाएगी और आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं वो भी आपके अनिद्रा की समस्या से छुटकारा दिलाने में काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे थर्ड इंग्रेडिएंट में आपको सफेद तिल का प्रयोग करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका प्रयोग किस तरीके से करना है। एक मेंबर के लिए मैं बता रही हूँ तो क्वांटिटी आप ध्यान से देख लीजिए। एक मेंबर के लिए आपको आधा चम्मच यहाँ पे खसखस लेना है और 2 से 3 बादाम लेने हैं आपको और 1 चम्मच सफेद तिल का प्रयोग करना है। खसखस और सफेद तिल को एक में ही आप भिगो कर रख सकते हैं और बादाम को भी आप 3 बादाम को भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद 4 से 5 घंटे में अच्छे तरीके से भीग जाएगा। उसके बाद आपको बादाम के छिलके को निकालकर बादाम को कूट लेना है या क्रश कर लेना है और जो पॉपी सीड्स है और सफेद तिल है उसको छान लेना है। उसके बाद आपको रात को 1 गिलास गुनगुना गर्म दूध लेना है और इसमें इन तीनों चीजों को मिक्स कर देना है। रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको इसका प्रयोग करना है। अगर इस तरीके से आप रात को सोने से आधा घंटा पहले आप इस रेमेडी का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलेगा, आपको नींद बहुत ही अच्छे से आएगी। इसलिए जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या रहती है, नींद अच्छे से नहीं आ पाती है, रात को जगे ही रह जाते हैं, वो इस तरीके से इस रेमेडी का प्रयोग जरूर करेंगे क्योंकि खसखस जो है और सफेद तिल जो दोनों है आपकी अनिद्रा की समस्या को छुटकारा दिलाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो हमने इसमें बादाम यूज किया है, तीनों चीज जो है आपके सेहत के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो जिन लोगों को जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या होती रहती है या उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, तीनों चीज आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा और आपकी खून की कमी को भी दूर करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, दांत जो आपको कमजोर हो गए हैं, दांत टूट रहे हैं, मसूड़ों से जुड़ी कोई भी समस्या है उसको दूर करेगा, दांत को मजबूत बनाएगा, आपके हेयर फॉल की समस्या दूर हो जाएगी, आपकी स्किन से रिलेटेड रिंकल्स छुरियों की जो समस्या वो भी खत्म हो जाएगी, आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं आएगी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नियंत्रित रहेगा और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में जो खसखस है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट नहीं है इसमें धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं मीठा बनाने के लिए, अदरवाइज आप इसे विदाउट किसी भी मीठे चीज का प्रयोग करेंगे तो भी ये रेमेडी काफी अच्छी होने वाली है और काफी फायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं है तो इसमें आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो इसमें कोई भी मीठा चीज ऐड नहीं करना है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि इस रेमेडी का प्रयोग कोई भी कर सकता है, जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होगी, हड्डियां मजबूत बनेगी, दांत मजबूत होंगे और याददाश्त शक्ति बढ़ाने में काफी फायदेमंद होता है। तो जो स्टडी कर रहे हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे आपको 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करने के लिए दे रहे हैं तो आपको इसमें खसखस का प्रयोग नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इस रेमेडी को बनाकर आप इसका प्रयोग कीजिए, आपको बहुत ही फायदे मिलने वाले हैं, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है उन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज घरेलू नुस्खे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।